ग्वालियर में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। यह मैच भारत बांग्लादेश के बीच माधवराव सिंधिया स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इसको लेकर बीसीसीआई ने वर्ष 2024-25 के होम कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में ग्वालियर को बांग्लादेश भारत के बीच होने वाले मैचों में से पहले 2020 मैच की मेजबानी मिली है। यह मैच सीरीज का पहला मैच होगा जो 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। जीडीसीए के उपाध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने भारत बांग्लादेश सीरीज का पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच ग्वालियर को मिलने पर बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह को धन्यवाद दिया है। ये 14 साल बाद ग्वालियर के लिए और खासकर की ग्वालियर के लिए लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि आई है एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए, और इसके लिए मैं अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले जिस तरीके के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की सहायता दी, हर दिन वो आए, हर दिन वो मौजूद थे और हर दिन उन्होंने क्रिकेटर्स की सहायता दी। दूसरी चीज़ है, मैं अपनी जीडीसीए और एमपीसीए के जो प्रेसिडेंट है और मेंबर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमेशा उन्होंने हमें सहायता दी। और आखिरी मेरे पिता और जय शाह जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारे पीछे खड़े रहे हैं और उनके वजह से अब ग्वालियर में फिर से क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।